लिए ये पहेली को सुलझाना बड़ा मुश्किल है, जो काम बड़े बड़े नेता आपके नहीं कर पाए, चाहे वो कोश्यारी जी हों चाहे खंडूरी जी हों। और नए में बात करें तो जो भरोसा पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पे किया था, तीरथ सिंह रावत पे किया था, अब तो पार्टी को लगा नहीं नहीं इनसे बात नहीं बनेगी, वो काम धामी जी ने कैसे कर लिया, समझ पाया? देखिए ऐसा है कि हर मुख्यमंत्री ने अपने अपने कालखंड में जो हमारा पार्टी का एजेंडा होता है, जो हमारा घोषणा पत्र होता है, उसके आधार पर काम किए। और मैं कहता हूँ भगत दा बहुत कम समय के लिए रहे, भगत दा का आज भी अपने उत्तराखंड के अंदर हमारा प्रभाव है, एक बड़े हमारे वरिष्ठ नेता है। जनरल खरोड़ी तो सेंजा सूरी के नाम से जाने गए उत्तराखंड के अंदर, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। इसी प्रकार तीरथ जी थे, तीरथ जी के क्योंकि एमपी बन गए स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए, बाद में वो ऐसा वैधानिक विषय आ गया कि उनको त्यागपत्र देना पड़ा। त्रिवेंद्र जी के समय में भी ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण बनी, ऐसे सारे काम हुए। पुष्कर सिंह धामी युवा शक्ति के साथ आज के हमारे उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पिछली बार का जो हमारा सरकार का एजेंडा था, खासतौर पर महिलाओं का 30% आरक्षण का विषय हो, समान नागरिक संहिता के विषय को लेकर आए, इसके साथ साथ धर्मांतरण का विषय है उस पर उन्होंने अपनी पहल की है। ये इतना ही नहीं तो अभी देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून ये उत्तराखंड के अंदर आया है। तो हर समय के काम की पद्धति के आधार पर कार्यकर्ता तो काम दिए जाते हैं, सरकार की नीतियाँ तय होती है, उन नीतियों के आधार पर उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व तो दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे सारे मुख्यमंत्री ने अपने कालखंड में जो उनको कार्य दिया गया उसको धरातल पर उतारा है। मैं धामी जी के संदर्भ में बाद में करूंगा, पहले आपके मुख्यमंत्रियों की तारीफ पर बात कर लूँ। ये तो बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए आप बता रहे हैं एनडी तिवारी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का उत्तराखंड में रहा तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा। ऐसा क्या गुनाह किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल के अंतर्गत पार्टी ने घर ही बिठा दिया? नहीं नहीं, घर किसको नहीं बिठाती पार्टी। और त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और मैं कहता हूँ समय काल परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों का क्रियान्वयन किया जाता है। और किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये समय की नई पीढ़ी को अवसर मिलने का काम भी पार्टी करती है। और बिना त्रिवेंद्र जी की सहमति से कुछ चीज़ें हुई नहीं होंगी। इस दल की जो पद्धति है वो मैं कह सकता हूँ कि हमारा पद्धति तो ठीक है, पर हमने कई मुख्यमंत्रियों को हटते हुए देख लिया इस दौरान देश भर में, पर उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है। विप्लव देव जी अगर असम से उधर त्रिपुरा से हटाए गए तो समझ में आया कि हरियाणा के प्रभारी बन के बिठाए गए। सरवंत सोनेवाल अगर असम से हटाए गए तो केंद्र में मंत्री के तौर पर दिखाई दिए। रमन सिंह, वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चुनाव हारे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नवाजे गए। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री फिर बाद में पूर्व विधायक, इसके पास कुछ बचा नहीं। तो बताइए तो सही कि आपके इस प्रामाणिक अनुभवी निष्ठावान नेता या कार्यकर्ता ने किया क्या ऐसा जिसके चलते पार्टी ऐसा व्यवहार उनके साथ कर रही है? देखिए ऐसा नहीं, पार्टी समय के साथ कार्यकर्ता को उत्तरदायित्व देना पार्टी का काम है, वो समय का इंतजार करिए, हर कार्यकर्ता समान पार्टी देती है। त्रिवेंद्र जी के लिए अभी आप आते हैं कि थोड़ा इंतजार करें? नहीं, हम तो अपने राज्य के हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता जानते हैं जो देश का भी नेतृत्व कर सकता है, प्रदेश का भी नेतृत्व कर सकता है। और पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हमारे राज्य के थे, एनडी तिवारी प्रधानमंत्री बनते बनते रुके हैं। इस राज्य के अंदर अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं, समय काल प्रसंग अनुसार देश उनका उपयोग बड़ी संभावना है। बता दी तो महेश जी जरा रोशनी दें कि कौन कौन है आपके प्रदेश में जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है, देश का नेतृत्व कर सकता है। देखिए मोदी जी के विकल्प के रूप में तो आज हम कह नहीं सकते, मोदी जी तो माँ बाप के बाद अगर किसी को लोगों ने अपना विभाग माना है तो नरेंद्र भाई मोदी को माना है। मोदी जी इस देश के यानी पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में है और वो अगर विकल्प देंगे तो अपने आप ही विकल्प तैयार करेंगे, उनके लिए अलग से कोई विकल्प देश के अंदर खड़ा हो पाएगा संभव नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर अनेकों कार्यकर्ता मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनका ही उन्हीं के पद चिन्हों का वह है कि आज उत्तराखंड भारतवर्ष के अंदर जहाँ हमारी सरकार है उन सरकारों के प्रति जनता का विश्वास खड़ा हुआ है। और इस राज्य के अंदर भी अगर रिपीट हुए हैं तो मोदी जी का चमत्कार है। मोदी जी का जन्म भले ही गुजरात में हुआ, आत्मा उनके उत्तराखंड में बसती है। केदारनाथ जी का धाम देखिए आप, बद्रीनाथ जी का धाम देखिए आप, हर प्रकार से जहाँ